पेट के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये देखो मेरे मुंह पे कितना ज्यादा पसीना। इंसान को पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और गर्मी भी बहुत है, वैसे भी सुबह का टाइम है तो फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी है। फसलों में तो ज्यादा गर्मी होती है, बस होती है ना, इसलिए एक दफ़ा छोटी होती थी तब मैंने चुनी थी तो तब तो मेरे पाँव पे जख्म भी हो गया था और जूता भी टूट गया था, तो अभी मैंने जूता भी मजबूत पहना, अभी मैं चुन रही हूँ, अभी तो सही जा रही हूँ भाई।
लैन छड़ी जाना है इसे लैन अगर जो खाओ पीछा रह जाए सी ओए लैन चुग दा सीधा ओ पीछा रह जाए कोई का चोक ना दे तू ना चोक दी मेरे चोक गोर पीछा अगु ते कोन चोक लवे पर ओ जी हां ते चोड़ियां पूरा बूटा ना खणा आज मैं काड़ा जड़ी ना चुगियां चोक गोर बूट ਆਦੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਗਾਤ ਲਿਆ ਆਪ ਦੀ ਲੱਖੀ ਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਅਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਇਆ ਗਾੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਚਿਕੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂ ਤੇ ਫਾੜ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਲਾ ਉਤਾਂ ਤੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਾਈ ਬੱਦੀ ਆਈ ਉਹ ਗਲਮ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਬਾਣੀ ਸਕਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਈ ਰੱਖੀ ਐ ਮੋੜ ਆਇਆ ਖੱਤਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਕਰ ਚੈੱਕ ਇਹ ਗਾ ਹੋ ਮਾਰਾਂ ਪਿੱਟਾਂ ਦੇ ਗਏ ਆਇਆ ਚੈੱਕ ਅਚਵਾ ਤੇਰਾ ਚਾਹੀਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਖੜੀ ਰਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਚੁਣੀ ਹੈ ये गोकड़े अभी मैं उधर बैठ कर निकालूंगी सब औरतें उधर बैठ कर निकाल रही है तो मैं भी एक साइड पर बैठ कर इनको निकालूंगी अभी वो आपस में लड़ाई बहुत कर रही है इसलिए मैं इधर आ गई वीडियो बनाने के लिए वो आपस में इतनी लड़ाई कर रही कोई कह रही है आपके बच्चों ने तोड़ी है मेरे आगे आकर ऐसे ऐसे मतलब आपस में उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ इसलिए मैं एक साइड पर आ गई तो अभी सब औरतें भी पीछे बैठी हुई हैं वो भी गोकड़े निकाल रही है तो मैं भी इधर आ गई शुक्र हवा चल गई और ठंडी ठंडी छाए है ना तो हवा भी चल रही है अभी काफ़ी सुकून हो रहा है तो अभी मैं भी निकाल रही बोल के टोकरे ये देखें इस तरह निकालते हैं जल्दी जल्दी बैठ के आसानी भी हो जाती है निकालने भी और वैसे भी सुकून होता है बैठ के निकालने इसलिए वहाँ जब वैसे उतारते हैं ना कपाल तो जल्दी जल्दी ये सब औरतें चुन लेती हैं तोड़ लेती हैं फिर बैठ के आसानी से निकाल लेती हैं साथ में खूब बातें भी करती है एक दूसरे से लड़ाई भी करती है और बहुत सी मिजाज भी करती है तो एक बात तो बहुत मुझे बुरी लगी है इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बेचारी औरतों को और जब बैठ कर अभी गोटकड़े निकालनी है ना इसके बाद फिर मालिक आएगा तो वो सबकी जो कपास है ना वो तोलेगा जितनी किलो होगी ना उस हिसाब से फी किलो का 20 रुपये है और इतनी मेहनत करती है मेहनत तो बहुत थी मजदूरी तो बहुत ही थोड़ी है तो सुबह सुबह का टाइम होता है सब बच्चों को बेचारी घर छोड़ के आती है छोटे छोटे बच्चों को और मैंने तो ये इतनी थोड़ी सी कपास चुनी है और सब औरतें मेरा मजाक उड़ा रही कह रही आपने इतनी ज़्यादा चुनी है इस साल से तो 50-60 रुपये बनेगा मेरा इतनी मेहनत मैंने की है देख लो सुबह सुबह तो ये सब बच्चे सब माओ के साथ आए हैं सुबह का टाइम भूखे अभी आए इन्होंने अभी नाश्ता करना जब इनकी माँ यहाँ से जाएंगी 12 बज के तो घर जाएंगी तो फिर इनके लिए नाश्ता बनाएंगी बेचारे बच्चे भी साथ जलील होते हैं और इतनी कम मजदूरी मुझे तो बहुत अफसोस हुआ आज ये सुनकर के सिर्फ 20 रुपये है 1 किलो के तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 किलो चुन लेती होंगी 200-300 का क्या बनता है ऊपर से इतनी ज़्यादा महंगाई और इतना जलील होते हैं बच्चे भी साथ और माएँ भी साथ जलील होती हैं तो बेचारी औरतें सुबह 4 बजे आती हैं बच्चों को भूखा छोड़ के और 12 बजे तक कपास चुनती है फिर शाम तो हो ही जाती होगी ये गोकड़े निकालते निकालते और फिर क्या सारे दिन का 200 या 300 ही बनता होगा 200-300 का तो सालन भी नहीं बनता इतनी महंगाई इतना घी महंगा और सब्ज़ी हर चीज़ महंगी है वो आंटी कह रही पीछे से के 80 रुपये का आधा पा मिलता है घी और उससे तो एक टाइम का भी नहीं सालन मिलता इतनी महंगाई है और ये देखा मैंने इतनी कपास निकाल ली है अभी काफी पड़ी है मेरे हिसाब से तो 2 दिन मुझे यहाँ पड़ी लग जाएगी इतनी मसलो और सब बच्चे पीछे मोबाइल की तरफ खड़े और देख रहे हैं कि ये क्या ड्रामा चल रहा है
इतना पानी कौड़ा है यहाँ पर, तो फिल्टर का पानी भी नहीं मिलता, बहुत ही कौड़ा पानी। इतनी ज्यादा मुझे तो प्यास लगी थी इसलिए अभी मैंने पिया भी नहीं, बस एक घूंट बड़ा वो भी कौड़ा था, वो क्रूली कर दी मैंने। तो अभी मेरी दोस्त आई है, तो मैंने उसको कहा है कि प्लीज मेरे साथ पहले जल्दी जल्दी गोकड़े निकलवा दो, फिर मैंने जाना है घर जल्दी है मुझे। तो अभी वो मेरे साथ गोकड़े निकलवा रही है, फिर बाद में वो और उस कस में बैठ कर फिर सारा दिन निकालते रहेंगे। मैं तो चली जाऊंगी अपना काम खत्म करके, जल्दी जल्दी निकालो। फ्रेंड कितनी स्पीड से निकाल रही गोकड़े, ऐसे 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 फ्रेंड आई तो इतनी जल्दी जल्दी वो मेरे साथ हेल्प करवा रही है, तब थोड़े से रह गए बस, मैं तो जल्दी फारिक हो जाऊंगी यहाँ से। मामा का मेरे घर में आ जा रहा है तू। तू सारे पहले मोड़ आगे कर मोड़, ये नाक रहना आ जाए तगली सारी चोक ले ऐसी के चुकी मोड़ी लड़ाई को सवारी हो राम राम। तो ये देखे मैंने सारे गोकड़े निकाल लिए, मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प की है इसलिए मैंने जल्दी निकाल लिया। अभी वो चली गई अपनी रू उठाने के लिए, अभी उसकी रू तो उधर पड़ी है, तो अभी वो ले आएगी। वो कह रही मेरे इतने ज्यादा गोकड़े हैं ना, मेरी तो रात इधर ही गुजरेगी। तो ये देखे मैंने सारे गोकड़े निकाल लिए हैं, तो अभी हम इसको भाई को देंगे, वो हमें तोड़ के तो जो हमारे पैसे बनेंगे वो हमें देंगे। अंदर कंडा लगा हुआ है, तो अभी मैं उसके ऊपर अपनी कपास तुलाने आई हूँ। मेरा कंडा अब इसके ऊपर रखते हैं और देखते हैं कितने मन में कपास होती है। कितने किलो हुई है? ये देखे 3.5 किलो हो गई है। सबसे ज्यादा मेरी थी ना इसलिए मैं पहले ले आई, और बाकी सब आस्ता आस्ता जैसे जैसे अपने सारे गोकड़े निकाल लेंगी ना, तो बारी बारी आएंगी यहाँ पर भाई से रू तुलवाएंगे और पैसे लेकर जाएंगे। तो अभी 20 रुपए के हिसाब से मेरे 70 भी बने हैं, इतने ज्यादा पैसे बने हैं मेरे। कमरे में तो लाइट थी और पंखा भी लगा हुआ था, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा आराम किया, गर्मी बहुत है ना। तो अभी इधर मैं आई, मैंने कहा चलो पैर भी धो लूँ और मुंह भी, मुंह तो नहीं धोऊंगी क्योंकि पानी बच्चों ने बहुत गंदा कर दिया मिट्टी से, चलो पाँव धो लेती हूँ। ये देखो बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं, अभी मैं भी इनके साथ इंजॉय कर रही हूँ। और बेचारी अभी तक निकाल रही हूँ गोकड़े, पता नहीं ये टूर कब चला था और बंद भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। बच्चे नहा नहा कर दिए देखे पागल हो गए, तो धूप भी बहुत ज्यादा निकल आई है इस वजह से, भैया आंखें भी नहीं खुल रही। तो अच्छा गाइस, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।